यूपी के जनपद रामपुर के सवार क्षेत्र में खनन को लेकर जिला अधिकारी ने भारी पुलिस बल के साथ कोसी नदी पर छापा मारा। वहीं जिला अधिकारी ने मौके से खनन कर रहे तकरीबन 25 रेत भरे वाहनों को सीज किया और जिला अधिकारी की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। खनन माफिया मौके से फरार हो गई। वहीं जिला अधिकारी ने बताया कि काफी समय से सवार तहसील को कोसी नदी में खनन की शिकायतें आ रही थी। कार्रवाई हुई है कोसी नदी में, क्या कार्रवाई है सर? वहाँ स्वार टांडा के कुछ बॉर्डर के जो एरिया से वहाँ से लगातार शिकायत आ रही थी अवैध खनन की। आज इसीलिए सवेरे सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों और तहसील की टीम के साथ हमने वहाँ पे 74 गांव है वहाँ पर रेड किया और उस रेड के दौरान एक JCB वहाँ नदी से पानी निकालने के यंत्र, वहाँ खनन के यंत्र के साथ साथ 25 से ज़्यादा ट्रक भी पकड़े गए और उसमें जो व्यक्ति खनन कर रहा था उसका कहना था कि उसको उत्तराखंड से उसका पट्टा दिया गया है। जो पट्टे को देखा गया तो और लोकेशन को देखा गया तो लोकेशन के हिसाब से उत्तराखंड की सीमा नहीं प्रतीत हो रही थी। उसमें जांच कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल सीजर की कार्रवाई की गई है और उसमें दर्ज हो रहा है। SP साहब भी मौके पे उसी समय पहुंच चुके थे और SP साहब भी फर्दर पुलिस की टीम के साथ उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जितने सारे सीजर हुए हैं उसके हिसाब से और उनके कागजों को देखने के बाद अग्रिम कार्रवाई की।